हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल डिफेंस स्टडी भी। दोस्तों आज मैं आपको एयरफोर्स बाय ग्रुप सेट है मैथ के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊँ, ठीक है। आपका प्रैक्टिस सेट है, ठीक है। चलिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा। पहला क्वेश्चन आपका दिया गया है, ठीक है। चलिए, अब ये दिया गया लॉग एम बट्टे एन की पावर में ए दिया गया है, इसको कैसे हल करेंगे बताइए ज़रा। चलिए, तो इसको किस फॉर्म में ले सकते हैं, यहाँ पर करिएगा ए लॉग एम बट्टे एन। जब भी इसकी पावर में लगा रहता है उसको आगे ले लिया जाता है, तो पता होगा सब। तो लॉग एम बट्टे एन कितना होता है बताइए ज़रा, इसको ले सकते हो, ब्रैकेट भी लिख लीजिएगा। लॉग एम माइनस लॉग एन होता है, ठीक है। अब इसको क्या ले सकते हो, ए लॉग एम माइनस का ए लॉग एन, ए लॉग एन, ए लॉग एम, ए लॉग एन, राइट ऑप्शन ये पहला दूसरा राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अब ये होता है जब भी इसकी पावर में दिया जाए तो उसको आगे रख लेते हैं, और लॉग एम बट्टे एन क्या होता है, लॉग एम माइनस लॉग एन होता है, ये ब्रैकेट बनता है, इसलिए दोनों में गुणा हो गया ए का, ये ऑप्शन राइट है। अगला दिया गया, ये जब भी क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है कि 3/5, 6/7, 9/10 का महत्तम समवर्तक, तो जो पूछा जाता है तो उसको ऊपर लिखते हैं। महत्तम समवर्तक पूछा तो महत्तम समवर्तक बट्टे में हो जाएगा आपका। ये महत्तम समवर्तक होता क्या, आपको ये पहले बताया, मासा होता है, ठीक है। ये मासा होता है, इसको कह दीजिएगा इसका मासा ज्ञात करना। तो इसको जब भी मासा पूछा है तो मासा बट्टे लासा होता है, अगर लासा पूछा है तो लासा बट्टे मासा होता है। मासा इसका निकालिए, 3/6 का मासा कितना होगा, 3/6 9 का मासा आपका 3 ही होगा केवल, और इनका पूरा निकालना पड़ेगा लासा इसका, 5, 7, 10 का तो 70 आएगा। 3/70 किसका, ये चौथा ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अब अगला दिया गया, चलिए ये दिया गया क्वेश्चन x/y/1/3 दिया, ये क्वेश्चन आप करिएगा, ठीक है। x²+y²/(x²-y²) का मान क्या होगा, देखिए इसमें क्या, मैं आपको बताता हूँ, एक मिनट रुकिएगा, ऐसे कर लें थोड़ा। आप स्टार्ट करते हैं, देखिए अब या तो ऐसे कर लीजिएगा, यहाँ पे x की वैल्यू निकाल लीजिए चाहे y की, x बराबर जगह यहाँ पे हो जाएगा 3x/y, तो यहाँ पे हो जाएगा x/y/3, तो लिख लीजिएगा y/3x, ठीक है। यहाँ से कर लीजिएगा y/3x कर लीजिए, y का मान रख लीजिए, x का रखना हो x का रख लीजिए, तो x²+y², y का मान 3x है ना, तो y² रखना है, ठीक है। तो 9x² हो जाएगा, ये x² हो जाएगा, ये माइनस का है तो यहाँ पे कितना 9x² हो जाएगा स्क्वायर करने पे, तो ये 9 और 1, ठीक है, तो 10² हो गया, और ये कितना है x²-9, तो हो जाएगा माइनस का 8x², x² कट गया, बचा क्या 10 अपॉन में -1, 2×5 10, 2×6 8, माइनस का 5/4 आ रहा है, ठीक है। तो इसमें राइट ऑप्शन तो कोई नहीं लग रहा है, हाँ ये छुपा है इसमें, 5/4 आ जाएगा माइनस का। इसमें देखिए कुछ नहीं था, वाई का मान निकाल लिया इधर से, इसमें रख दिया गया, कुछ नहीं था, ठीक है। अब अगला, चलिए क्वेश्चन दिया गया है कॉसेक थीटा कॉट थीटा साइन थीटा निम्नलिखित में से किसके बराबर है, ठीक है। कॉसेक थीटा को लिख सकते हो 1/(sin θ), कॉट थीटा को लिख सकते हो कॉस थीटा बट्टे में साइन थीटा, और साइन थीटा को लिख देते पर नहीं लिखेंगे क्योंकि ये कट जा रहा है यहाँ से। तो अब यही है कि कॉस थीटा बट्टे साइन थीटा क्या होता है, कॉस थीटा बट्टे साइन थीटा होता है कॉट थीटा, राइट ऑप्शन की बात है, पहला राइट है। अगला दिया गया, ये थोड़ा अलग क्वेश्चन है तो इसको थोड़ा दिमाग लग करिएगा, थोड़ा आराम से करिएगा। देखिए, एक बैग में 5 भूरी 4 उजली गेंदे हैं, एक आदमी उसमें से कोई गेंद 2 गेंद निकाल रहा है, अच्छी बात है, उसमें से एक ही रंग होने की कैप रखता है। अब चलिए देखिए क्या करते हैं, देखिए देखिए भाई 2 गेंद निकाल रहा है, ठीक है। तो भाई ये भी हो सकता है कि भूरी गेंद से 2 गेंद निकाल सकता है, एवं जहाँ लिखा था तो उसमें प्लस लगा देते हैं, ठीक है, एवं में, एवं या और में प्लस लगाते हैं, या तो फिर ऐसा होता कभी कभी इनटू लगा देते थे गुणा, लेकिन एवं और में, या तो और चांस हैं कि चौथी गेंद मतलब 4 गेंद से उजली गेंद से 2 निकाल सकता है, और या तो ये हो सकता है कि टोटल गेंद, अब ये बट्टे में लगा, एक मिनट रुकिएगा, अब समझा रहे हैं, रुकिएगा। अब 5 आना 9 गेंद से 2 कंडीशन निकाल सकता है दोनों से। अब ये कि ये होती हैं अनुकूल परिस्थितियाँ होती हैं, कुल परिस्थिति कितनी है, 5 4 9 गेंद से 2 निकाल सकते हैं, या अनुकूल परिस्थितियाँ कितनी बन रही हैं, बनाई जाती हैं, या तो 5 से 2 या तो 4 से 2, ठीक है। अब इसको आप सिंपल से गुणा कर लीजिएगा, 5×4 कर देंगे, बट्टे 2, ये प्लस था 4 C2 था, 4×2 अपॉन में 4×3 कर लीजिएगा, हाँ 4×3×2 अपॉन में कितना था 9 C2, 9×8/2, 2×8, 2×2 4, 2×2 4, 5×10 हो गया, 10+, 3×6 हो गया 6, अपॉन 1, ये 2 2 कर गया 1 हो गया, 9×9=36, ये अपॉन 1, 16, ये 10×6=16, 16/36, राइट ऑप्शन कहाँ है, चलिए काट के देख ले रहे हैं, 4×32 4×9=36 होता है, 4×16 4×9=36, 4/9, या तो 2 से काट लीजिए जैसे आपको सही लगे, 4/9 चौथा ऑप्शन राइट है, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन करके देखते हैं अब जरा थोड़ा, भाई एक
व्यक्ति ने 7 संतरे 1 रुपये के भाव में खरीदे थे, ठीक है। चलिए तो 40% लाभ पर उनको बेच दिया, उसने 1 रुपये में कितने संतरे बेचे। अब भाई 1 रुपये में पूछा गया तो 1/7 बेचे, उसमें भी 40% का लाभ हुआ तो 140/100 हो जाएगा। 100% होता है उसमें 40% मतलब 140/100, 7 × 14 मतलब 20, ये 0 ऊपर चलेगा, 20/100 मतलब ये 0 कटेगा, 2 × 5 = 10, तो 1/5 आया एक के लिए। अब ये पूछा गया कि उसने 1 रुपये में कितने खरीदे, तो 1 रुपये में उसने 5 खरीदे थे। तीसरा राइट ऑप्शन है।